नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सैलानियों से यात्रा करने के दौरान लैंडस्लाइड की आशंका के चलते सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। मीटिंग में सभी विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है। सहयोगी निर्दलीय विधायकों को भी न्योता दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उदयपुर के प्रतापगढ़ में पेट्रोल के दाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल अब 15 रुपए लीटर हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है। मैं अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियां लॉन्च कर रहा हूं। अब सभी गाड़ियां किसानों के तैयार किए गए इथेनॉल पर चलेगी। नागालैंड में मंगलवार शाम भूस्खलन का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। इसमें एक पहाड़ी से गिरे बड़े पत्थरों ने कारों को पूरी तरह से कुचल दिया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में दरार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनसे चीफ ने पुणे में कहा कि महाराष्ट्र के राजनीतिक महासंग्राम के पीछे खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार हो सकते हैं। महाराष्ट्र के सियासी हालात इस समय ठीक नहीं है। शरद पवार और अजित पवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहीं इसी बीच एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा से और सुनील तटकरे को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नागपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नागपुर में स्वागत करने के बाद अचानक मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। वे बुधवार की रात नागपुर में ही रुकने वाले थे, लेकिन उनके अचानक मुंबई लौटने के फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारतीय गेंदबाजी कमान के धार रह चुके तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार की कार मंगलवार को दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना के दौरान प्रवीण कुमार के साथ उनकी कार में उनका बेटा भी मौजूद था। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा की कमाई अब धीमी होती जा रही है। वीकेंड पर फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन मंगलवार यानी 6ठे दिन फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।